अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों वेलकम बैक, डेली शायर व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का जो है स्टोरी है, स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आपने कभी सुना है कि सोना डबल करके देते हैं लोग? तो यही इसी बात पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बाजी है, वो बाजी जो है सोना डबल करके देती थी लोगों को, वो कैसे। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, बने रहिए। और एक बात आपको सुना दूं कि अपने 99,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, यानी 99,000, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का हिस्सा है ये, और इसको रिपोर्ट करने वाले हैं सज्जाद सलीम। आप लोग पहचानते होंगे, रिपोर्टर है। और वो जो है, वो क्या है, उनके यूट्यूब चैनल है वो क्या है, वो जहाँ पे पुराने जो घर वगैरह होते हैं, बिल्डिंग वगैरह, हंटेड हाउस, तो वहां पर जाके ये जिन्नात वगैरह की तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने, इनको एक खबर मिली थी कि ईमेल के जरिए कि हमारे एरिया में एक बाजी है, और वो बाजी जो है आपका सोने का कोई भी चीज दो उसको 8 दिन में डबल करके देती है। मैंने इंडिया में एक मूवी देखा था, उसमें एक शॉट था कि वो पैसा 8 दिन में डबल करके दे रहा है। तो यहाँ पे बाजी ने सोना डबल करके देने की यानी एक नया फार्मूला था इनके पास में। वो कैसे क्या हुआ आपको पूरा बताता हूँ, देखते रहिए। तो सज्जाद सलीम को पता चलने के बाद में सज्जाद सलीम क्या करते हैं, अपनी टीम को लेकर के जाते हैं उस एरिया में, जो एरिया में वो बाजी यानी आपा रहती है बाजी। तो वहां जाने के बाद में इन्होंने अपने साथ में लेडीज ले जाते हैं, क्योंकि देखो हर जगह लेडीज के पास डायरेक्ट मर्द आदमी जाना ये बहुत गलत हो जाता है, उल्टा केस हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो उन्होंने किया कि उनको पता चला बाजी है, इनको हाजिरी आती है और ये लोगों से सोना लेती है। एक रिंग अगर आप दोगे सोने की, अगले हफ्ते आपको जो है 2 रिंग बना करके दे देगी और उससे आपके घर में बरकत आ जाएगी। तो दोस्तों वो टीम को लेके जाने के बाद में उस औरत को जो इन्होंने लेके गए अपने साथ में, वो भी उनके टीम मेंबर ही होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो पहले जाते हैं सोनार की दुकान पे, वहां से एक रिंग लेते हैं। हाथ का रिंग लेने के बाद में वो औरत को अंदर भेजते हैं, और वो जो लेडीज जाती है, जाने के बाद में वो आपा के सामने ऑलरेडी 3-4 औरतें बैठी हुई होती है, वो अपनी परेशानी सुना रही होती है। कोई जो औरत है, माँ है लड़की की, वो माँ सुना रही होती है कि इसकी सास बहुत तंग करती है, यानी सास बहू का झगड़ा हर जगह लगा हुआ है। तो जो है ये मैडम जो है सीक्रेट कैमरा लगा करके पूरा रिकॉर्डिंग कर दिए। उसके बाद में वो आपा जान इनसे पूछती है आपकी क्या परेशानी, तो ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड से मेरा जमता नहीं है, और हस्बैंड जो है मेरा बहुत गुस्सा करता है, और पैसा वैसा रहता नहीं है घर में, बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसा हमारे पास नहीं। तो आपा जान बोलती है तुम, यानी वो पहले उसको हदिया चाहिए, यानी अल्लाह की राह में खर्चा करो। जाहिर सी बात है अल्लाह की राह में खर्चा करो, लेकिन बाहर करो, गरीबों में करो, आप खुद क्यों ले रही है बोल बोल के। तो वो हर इंसान के पास से 1,000 रुपया पाकिस्तान करेंसी का लेती थी, और ये बोलती थी अगर आपके पास कोई सोने की चीज है तो वो दे देना, मैं उसको 8 दिन में आपको डबल करके दे दूंगी। तो वो बाजी को हाजिरी आने का टाइम था जुमेरात के दिन करेक्ट 11 बजे दिन के, उसके अलावा नहीं आती थी हाजिरी। तो फिर वो लड़की जो गई थी अंदर, खाना वाना खिलाया उनको, उसके बाद में वो लड़की गई, जाने के बाद परेशानी सुनाई। अब वो पूछी कि आप कुछ लाए हो देने के लिए, यानी कि पैसा 1,000 रुपया, तो वो लड़की बोलती है नहीं, तो अगले हफ्ते जरूर लेके आना, अगली जुमेरात को जरूर लेके आना, अगर आपके पास कोई सोने की चीज है तो वो दे देना, मैं उसको अगले हफ्ते तक डबल करके दे दूंगी, यानी 2 बना के दे दूंगी, ताकि आपके घर में बरकत ही बरकत आ जाए, ठीक है। तो वो मैडम क्या करती है, दे देती है, देने के बाद में घर को चले जाती है उनके टीम के पास में, सज्जाद सलीम के पास में। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के डिसाइड करते हैं, देखते हैं क्या क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ। ये जहां से सोना खरीदते हैं वहां से बिल जरूर लेते हैं, आप जब भी सोना खरीदते हैं तो बिल लेना जरूरी है, इसको देखो ये कैसे कर रहा है। तो दोस्तों वो इंतजार करते हैं अगले हफ्ते का, यानी कि अगले जुमेरात का इसको पकड़ने का। तो उन्होंने क्या किया, अगली जुमेरात को फिर से गए, और वो जो मैडम थी, वो मैडम जो है अपने साथ में 1,000 रुपया भी लेके गई और चली गई उनके पास में। वहां वो बाजी के साथ में एक लड़की काम करती थी, लेकिन वो उतनी परफेक्ट नहीं थी काम में, ठीक है। इसके बाद में वो आपा जान के सामने, बाजी के सामने ये बैठ जाती है, और बाजी पूछती है आपने नजराना लाए है कि नहीं है अल्लाह के राह में देने के लिए नजराना। तो बोलती है लाई हूँ 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया ले लेती है बाजी, और तकिए के नीचे से 2 अंगूठी निकाल के देती है, सेम अंगूठी जो उन्होंने सोनार के पास खरीदी थी, ठीक है। तो वो सेम अंगूठी वो देख के कंफ्यूज हो जाती है, दोनों बना के दे दिया है और सेम है।
अब उसमें गड़बड़ क्या हुई अब तक आप गेस कर लिए होंगे, अगर नहीं करे तो मैं आगे बता रहा हूँ, देखते रहिए। तो वो लड़की क्या करती है, वो दो अंगूठी लेने के बाद में फिर वो ऐसे हाथ पे हाथ फिराने के बाद वो निकल के जाती है, जाके सज्जाद सलीम के हाथ में रख देती है दो रिंग और वो हो जाता है कंफ्यूज। क्यों होता है कंफ्यूज? क्योंकि इन्होंने जो सोना दिया था सेम अंगूठियां बना करके उसने 8 दिन 7 दिन का टाइम लेकर के 2 दे दिया है, उससे और बरकत आने वाली है, आपको एक पहनना है एक अलमारी में रखना है खजाने में छुपा के। तो अब ये लोग क्या करते हैं, वो अंगूठी लेकर के वहीं जाते हैं जहां से ये लोग पहले सोना खरीदे थे जो पिछले हफ्ते, ठीक है। वो सोने के सुनार के पास जाने के बाद उसको बोलते हैं, भाई साहब हमने आपके पास से सोना खरीदा था और ये सोना जो है आप चेक करके हमको बताइए ये वही सोना है या बदल गया है। तो वो बंदा चेक करके बोलता है, भाई साहब मैंने जो सोना दिया था वो नहीं है, वो बदल गया है, मैं आपको जो दिया था वो था 22 कैरेट का, 22 कैरेट का सोना मैं आपको दिया था और ये जो सोना है ये सोना सिर्फ 8 कैरेट का है। सोना था इन्होंने 22 कैरेट का सोना दिया था और वहां से आया है 8 कैरेट का सोना, यानी 8 कैरेट वाली दो रिंग, उसका प्राइस था 5000, इन्होंने लिया था 9000 के रिंग, ठीक है। अब वो चेक करने के बाद में फिर से ये जाते हैं आपा जान के पास, वहां पर कोई एंटर नहीं कर सकता मर्द आदमी। तो ये लोग वो लड़की को भेजते अंदर, बोलते हैं कि हमारे कुछ साथी है उनको जो है आपसे दम करवाना है, तब जाके वो अंदर आने देती है। अंदर जाने के बाद में वो जैसे ही इनको देखती है वो नमाज में बैठ जाती है, जब नमाज में कोई बैठता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जैसे ही वो कैमरा देखती है नमाज के बहाना करके नमाज में बैठ जाती है और नमाज में बैठे बैठे वो अपना टाइम बहुत ज्यादा लगा देती है, 2 घंटे तकरीबन उनको बिठा के रख देती है। अब वो लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो बात करने की कोशिश करते हैं तो वो मैडम बोलती है मैं इबादत में बैठी हुई हूँ और आप लोग इंतजार करो या फिर चले जाओ, क्योंकि उसने कैमरे देख लिया था। जब कैमरा दिख जाता है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। अगर कोई कभी मसला होता है तो आप खास करके पहले वीडियो बनाया करिए ताकि वो आपके पास सबूत जमा हो। ये लोगों ने ये काम करने से पहले उसका सबूत जमा किया था उसको पकड़ने से पहले, वरना उल्टा इनके ऊपर इंजाम लग सकता था। और जो मैं लड़की बोला था, जो वो बाजी के पास काम करने वाली लड़की थी, वो लड़की ने जो है पूरा पूरा खुल के बता दिया है। सज्जाद सलीम ने उससे सवाल किया है क्या इनको सच में हाजिरी आती है, तो उस लड़की ने बोला इनको कभी हाजिरी नहीं आती है, ये बस ऐसे ही करती हैं, यानी कि समझो अल्लाह अल्लाह ऐसे करने से समझो हाजिरी आ गई। तो भाई मैं ये हाजिरी वाजिरी पे तो बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ इतना है कि देखो मैं जिन्नात पे और शयातीन पे यकीन करता हूँ क्योंकि इनके बारे में कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन हाजिरी के बारे में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बाकी अल्लाह आलम, और जो मानते हैं उनका अल्लाह बेहतर जाने भाई, ठीक है ना। तो ये बाजी मानने को नहीं होती, अच्छा हुआ। अच्छा ये बात है कि वहां पर कोई इनके जो साथी होते हैं ना, खास करके जो ऐसे आमिल जो लोग होते हैं अपने साथियों को बाहर बिठा के रखते हैं कहीं कोई मसला ना हो जाए, वो टाइम पे इनके कोई साथी वहां पर नहीं होते, तब जाके जो पकड़ में आती है ये लास्ट इनको पुलिस की धमकी देते हैं, पुलिस के बारे में बोलते हैं बाहर पुलिस खड़ी हुई है, चलो हम आपको पुलिस के हवाले करते हैं और आप खुद ही जो है पुलिस के सामने बोल सकती है। तो दोस्तों पुलिस की धमकी देने के बाद वो जो है मैडम पे ऐसे हाथ लगा करके रोने लगती है, उसके बाद बोलती है मैडम नहीं बाजी, बोलती है कि हाँ मैंने ये गलती किया है और मैं आइंदा से नहीं करूंगी, मैं लोगों से सोना लेती थी चाहे वो हाथ का रिंग हो चाहे वो छल्ला हो या गले का कोई चीज हो सोने का, उसको मैं लेती थी, अगर वो ज्यादा कैरेट का होता था तो मैं उसको कम से कम कैरेट में बना के 2 चीज बना करके मैं उनको दे देती थी और ये हाजरी वाजरी का कोई चक्कर नहीं था, ये तो बस ऐसे ही था। उन्होंने अच्छा पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक मजलिस टाइप में बनाया हुआ था, 2 जानिमा ऐसे ऊपर से लटकी हुई थी और वो अच्छे गद्दे पे बैठी हुई थी जैसा कि समझो एक राजा बैठता है ऐसे। तो दोस्तों ये होता है, और इम्पोर्टेंट जो बात आपको बताना चाहता हूं मैं, ये स्टोरी है दोस्तों, आप लोगों को अच्छी लग रही तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, ऐसे बहुत सारे किस्से होते रहते हैं, ये एक रियल स्टोरी है जो मैंने देखा था, वो मैं सोचा मैं भी शेयर कर दूं ताकि हमारे लोग भी जो है थोड़ा समझ जाए। तो अपने इंडिया में क्या होता है, खास करके इंडिया में हो हर जगह पे होता है लेकिन मैं इंडिया से हूं तो इंडिया में बहुत जगह मैं देख चुका हूं, तो घर वाले जो लोग होते हैं ना, घर में जो झगड़े होते हैं, जब शादी हो जाती है तो शादी के घर में तो कंपलसरी 100% मसला चालू हो जाता है। शादी के घर में क्या मसला चालू होता है, अब बेटे के अम्मा बाबा जो है, अम्मा खास करके बहना समझते हैं ये बीवी का गुलाम बन गया, ये बीवी का हो गया है, और सास समझती है, अगर दूल्हा जो है दुल्हन को अभी कभी कुछ मार देता है तो सास बोलती है ये ऐसे, समझो ये मसलों का हल निकालने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आमिलों के पास चले जाते हैं। आमिलों के पास जाने से क्या होता है, वो लोग आपको
यानी कि आमिल बोलने के बाद में जो जादूगर होता है, आमिल होता है, वो जाहिर सी बात है वो आपको फंसा लेगा। वो कैसे फंसाता है दोस्तों? आपको बोलेगा, वो आपका नाम ले लेगा, आपके माँ का नाम, बाप का नाम, सबके नाम ले लेगा, और आपको कुछ सामान लाने को बोलेगा वो भी ले लेगा। यानी कि समझो एक आपका पुतला बना के वहां पे रख लेगा। अब वो जब चाहे वो आपको बुला सकता है उस पुतले के जरिए। ये बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन यही होता है। आप इलाज करते हो, एक महीना दो महीने सही रहते हो, चार महीने सही रहते हो, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आपको जाना ही पड़ेगा। क्यों ये अमीर लोग इतने बड़े बड़े इतना बहुत पैसा कमा लेते हैं? यही होता है। अब इनके अगर छेड़खानी कर लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, इनके पास जाना ही नहीं चाहिए पहले से, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, औरत लोग खास करके, ज्यादातर औरत लोग ही जाते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो आमिल के पास चले जाओ, आमिल साहब आपको बच्चा लेके दे देंगे, ठीक है। या फिर लड़ाई का करना है या अपने कब्जे में अंडर करना है अपने को, तो उस बात में भी जो है आमिल के पास चले आते हैं। बोले हमको दवा चाहिए, ये हमारी बात नहीं सुनते। या फिर बच्ची की माँ लेकर के जाती है, बोलती है इसकी सास बहुत तंग करती है, इसकी सास का मुंह बंद करने के लिए कुछ दवा दे दो है। ये सारे मसले चलते हैं। तो ये सब नहीं होना बोले तो आप पहले से ही सीधे साधे रहना चाहिए, कोई आमिल पंडित वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए। जाएंगे तो ऐसा आपका भी सोना डबल हो सकता है। कितना अच्छा फार्मूला आजमाया, पता नहीं कितने लोगों को उसने लूट लिया होगा। कौन देता है भाई? अब मैं, ये पेन है, ये पेन मैं आपको, यानी कि समझो ये बाजी को अगर ले जाके दे देता तो समझो ये 24 कैरेट की पेन है, तो बाजी बोलते तुम अगले जुमेरात को आना, साथ में 1000 रुपया भी लाना, और आके आपका जो सोना था, आपने पेन दिया था, ये लेकर के जाना, और एक पेन आपके साथ में रखना, दूसरी पेन आपके अलमारी में रख देना, ताकि आपके घर में झगड़ा भी ना हो और आसमान से बरकतें ही बरकतें आपके घर में बरसती रहे। हाँ, तो वो क्या हो रहा था, अब ये जो पेन थी 24 कैरेट की थी, और वो बाजी क्या करवा रही थी, अब ये 24 कैरेट की जगह इसको 5 कैरेट का बना के, यानी कि 5 कैरेट का सोना, जो डुप्लीकेट सोना, एकदम जो घिसा पिटा जो सोना होता है, वो सोना ले करके ऐसी सेम दो पेन बना करके, और जो 24 कैरेट का था वो अपने जेब में, और जो डुप्लीकेट था वो ला करके, जो है ये आपका अमानत है। और अब लोग कहाँ चेक करेंगे, किसके पास टाइम होता इतना कि भाई हम सुनार के पास जाए और चेक करें? क्योंकि उनकी धुन, उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि हमने इलाज करवा लिया और उस बाबा बाजी ने जो है हमको बना के दिया है तो बरकत ही होएगी। और अच्छी बात यह है, जब ये रिपोर्टर लड़की वहां अंदर गई थी, अंदर जाने के बाद में जब वो बाजी को हाजिरी आने का टाइम था, तो उस टाइम पे इनको बाहर भेज दिया गया था दूसरे कमरे में। तो इस रिपोर्टर लड़की ने उशारी से जो दूसरे औरत लोग थी उनसे सवाल किया कि ये सच में हो जाता है? तो वहां की औरतें बोलती हाँ ये सच में करके दे देती है और बहुत अच्छा इलाज होता है इनके पास में। तो होप दोस्तों यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी या अच्छी नहीं लगी होगी या बोरिंग लगी होगी, जो भी लगी होगी, आप आमिलों के पास जाने से बचिए। अगर आपको कुछ परेशानी होती है, नमाज जानिमस बिछाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए और हाथ उठा के दुआ करिए अल्लाह से, अल्लाह हमारी ये परेशानी इसको दूर कर दे। या फिर आप पहले तकलीफ होती है, कुछ बीमारी है, तो पहले दवाखाने का इलाज करवाइए, फिर उसके बाद जो जड़ी बूटी की दवाएं होती है वो इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके साथ दोस्तों अगली स्टोरी में या व्लॉग में। अगली स्टोरी आपके साथ शेयर करना है मेरी खुद की, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, जब मैं बाइक लेकर के एक रास्ते से गुजर रहा था तो वो रास्ते पे मैं मरते मरते बचा था, वो कैसे मैं आपको शेयर करूंगा अगली स्टोरी में। बने रहिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।